my privilege once again to talk to you from the stage of God owns tomorrow यह सिर्फ एक कथन नहीं है पर हमारा ईमान है और हमने उसकी कृपा के स्वाद को चखा है कि उसने हमारे कल को अपने हाथों में लेकर कितना खूबसूरत बना दिया मैं धन्यवाद करता हूँ वो परमेश्वर जो कल आज और युगान युग एक सा है हमारी जिंदगियों को हमारी कमजोर बिखरी बदबू वाली जिंदगियों को अपने हाथ से ले करके इतनी खूबसूरत बनाता है कि आप और मैं खुद ताजुब करते हैं दिस इज वॉट द लॉर्ड हैज डन मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे मालूम है ये बीता साल बहुत आफत से मुसीबत से और चैलेंजेस से भरा रहा है ऑल ऑफ अस हैव बीन थ्रू लॉड ऑफ अप्स एंड डाउन आपने अपने अजीजों को खोया है बिजनेस खोया है रिश्ते खोए हैं अभी जख्म भरे नहीं थे कि ये दूसरी वेव तीसरी वेव फिनेशियल लॉस जाने क्या क्या पर मैं धन्यवाद करता हूँ उन सब के बीच में खुदा का कलाम हमें तसल्ली, कुवत और हिम्मत देता है आई वॉन्ट टू शेयर एन इनकरेजिंग वर्ड ऑफ गॉड एंड आई बिलीव दिस विल ब्लेस यू एंड टू यू मूसा अपने गीत में मूसा ने अनेक गीत लिखे हैं मूसा दावन का एक अद्भुत खादिम था गॉड चोज हिम एंड ही वाज एन अमेजिंग मैन ऑफ गॉड बट मोसेस हैज रिटन अ सॉन्ग साम 90 भजन 90 मूसा का लिखा हुआ गीत है और मूसा अपने इस गीत में कह रहा है 16वें पद में जितने वर्ष हम दुख भोगते आए हैं आपको मालूम है मालू ना मूसा वो शख्स था ही हैज গন थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स 120 साल के जीवन में मूसा ने 40, 40 और 40 के डिवीजन में अपनी जिंदगी जी 40 साल महल में था बहुत शानदार फिर आन के घर में पला बड़ा युद्ध विद्या सीखी पढ़ाई लिखाई सीखी भाषा सीखी घुड़सवारी सीखी एंड व्हाट नॉट दैट वाज ग्रेट 40 इयर्स बट नेक्स्ट 40 इयर्स वर इन विल्डरनेस व्हेन गॉड वाज प्रिपेयरिंग हिम फॉर समथिंग बिग परमेश्वर से तैयार कर रहा था खुदा का रूह से जंगल में ले गया मुसीबत की रोटी दुख का पानी पर खुदबाप उसे तैयार कर रहा था और फिर वेन गॉड फाउंड हिम रेडी झाड़ी में जलती झाड़ी में उससे मुलाकात करता है मुझे नहीं मालूम आप अपनी जिंदगी के किस फेज में हैं शायद फर्स्ट फेज में हैं जहां सब कुछ अच्छा है एंड यू आर बॉन्ड विद अ सिल्वर स्पून और मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ अल्डर एक्सपीरियंस राइट नाउ आई हैव अ गुड न्यूज हिज आईज आर फिक्सड अगला 40 साल या यू कहिए लास्ट लैप जो था ये सेवकाई से भरा था खिदमत से भरा था उन्नति से भरा था पर इसमें भी बहुत से चैलेंजेस थे आज अपने आखिरी लैप में मोजस कह रहा है परमेश्वर तू मेरे साथ वफादार रहा तू मेरे साथ ईमानदार रहा पर मैंने बहुत बरस दुख झेले हैं मेरे लोगों ने मिस्र में दुख झेला है इस राह में बहुत दुख झेला है एंड नाउ ही इज हमलिंग बिफोर गॉड ही इज नीलिंग बिफोर गॉड एंड ही इज मेकिंग अ प्रेयर जितने बरस हम दुख झेलते आए हैं और जितने वर्ष हम कलेश भूखते आए हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद इसे कहते हैं रेस्टोरेशन ही इज मेकिंग अ प्रेयर ऑफ रेस्टोरेशन आज मेरी दुआ ये है खुदावन आपकी जिंदगी में जितने बरस आप दुख झेलते आए पिता साल मुसीबत का था फाइनेंशियल लॉस का था एंड यू वर इन टीयर्स आई एम प्रेइंग लेट गॉड रेस्टोर एवरीथिंग दैट एनिमी टुक अवे फ्रॉम यू रिश्ता वो मुस्कराहट वो खुशी वो मोहब्बत जो चली गई आसमान खुदा फेर दे और दुआ बढ़ाते हुए कहता है सतवां पद तेरे काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो ना सिर्फ अपने लिए पर मैं आज प्रार्थना मांगता हूँ आपके लिए और आपके वंश के लिए कि आसमान का खुदा अपनी मेहरबानी को अपनी सच्चाई को अपनी बड़ी दया को हम पर बना के रखें हीज प्रेंग प्रेयर वो दुआ करा कह रहा है प्रभु हमें मालूम है हमने बहुत दुख झेला है हमने बहुत मुसीबत झेली है मुझे मालूम नहीं आप कब से मुसीबत दुख तकलीफ जब से पैदा हुए थे तब से बहुत मुश्किल से जिंदगी जी रहे हैं आपको आठ आठ साल की उम्र से नौकरी करनी पड़ रही थी कुछ कुछ काम करना पड़ रहा था आप अक्सर अपने आप को देखते हैं और दूसरों को देखते हैं

आशा धरे हुए बंदियों गढ़ की ओर फिलो और मैं तुम्हें आज बताता हूं कि मैं तुम्हें बदले में दूना सुख दूंगा ही विल नॉट ओनली रेस्टोर बैक वॉट यू लॉस्ट वो सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि जो आपका चला गया आपको भर देगा पर मैं धन्यवाद करता हूं ना सिर्फ वो हानि भरने वाला पर उस हानि को भरते वक्त अपनी बरकत उस पर ऊंडेलने वाला खुदा है आसमान का खुदा इसराइलियों के साथ वफादार था जब वो मिस्र से निकल कर कनान जा रहे थे रास्ते में एक जगह आए उस जगह का नाम था एलीम यूं तो इनका सफर उतार चढ़ाव से भरा हुआ था कभी इनके पास बहुत था खुदा आप तेरा धन्यवाद खुदा आप तरह धन्यवाद और फिर हमें क्या मिल रहा है हम तो भूखे मर रहे हैं हम तो प्यासे मर रहे हैं फिर थोड़ी देर बाद अरे प्रभु धन्यवाद आपने बचा लिया प्रभु धन्यवाद आपने बचा लिया और फिर अरे देखो फिर बाहर मर जाएंगे मर जाएंगे फ्रॉन पीछे आ रहा है देअर लाइफ्स वर ऑलवेज विथ अप्स एंड डाउन लाइक आर्स जैसे हमारी जिंदगी होती ना उतार चढ़ाव के साथ बिल्कुल वैसे ही जिंदगी इसराइलियों की थी अब एक जगह था जहाँ बहुत प्यासे थे प्यास से तड़प रहे थे इनके पास पीने को कुछ नहीं था बड़े परेशान थे कहने लगे अब क्या करें पानी नहीं है पानी नहीं है पानी नहीं है एलीम पर पहुंचे और एलीम पर परमेश्वर ने इनके लिए एक अद्भुत इंतजाम किया बाइबल बताती है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो निर्गमन उसके पंद्रहवें अध्याय के सत्ताईसवें पद में लिखा है आफ्टर क्रॉसिंग द रेड सी लाल समुंदर पार करने के बाद ये एलीम पर पहुंचे हैं एलीम एक ऐसा स्थान है जहां पर बाइबल बताती है सत्तर खजूर के पेड़ और बारह पानी के सोते थे जैसे ही वहां पहुंचे इसराइली खुश हो गए पानी पीने लगे अभी तक बहुत प्यासे थे प्यासे मरे जा रहे थे बच्चे बिलक रहे थे, थे। थे, जानवर परेशान सोते, अरे रेगिस्तान में, जंगल में, जंगल जब प्यासे थे, इन्हें क्या मिल सप्तर खजूर के पेड़ देवर ओवर खुदा का शुक्र कर रहे थे इसको ध्यान से पढ़ रहा था परमेश्वर मुझसे बात करने लगा आपने सोचा कभी क्यों उसने बारा पानी के सोते और सत्तर खजूर के पेड़ एलिम में दिखवाए रीजन एलीम एक बड़ी खास जगह है जब ये एलिम पे पहुंचे हैं तो आसुदा हो गए तृप्त हो गए हैं पर जब ये मिस्र में गुलाम बनकर जा रहे थे तो आपको मालूम बारह गोत्र और सत्तर गुलाम मिस्र में गए थे इट इज नॉट अ कॉन्सिडेंस दैट टूडे गॉड हेज ब्लेम विध पाम ट्री ट्रीज वो उन्हें याद दिला रहा था सत्तर गुलाम गए थे पर अब देखो आपको मालूम खजूर के पेड़ में एक खजूर नहीं लगता है खजूर के पेड़ में तो गुच्छों गुच्छे खजूर लगता है द गॉड ऑफ Abraham, द गॉड ऑफ Isaac एंड द गॉड ऑफ Jacob was रिमाइंडिंग द चिल्ड्रन ऑफ Israel, मैं उस समय तुम्हारे साथ था जब तुम सत्तर लोग बंधुआई में गए थे मैं तुम्हें वहाँ से निकाल के लेके आया हूं सत्तर लोगों की अब देखो कितनी बड़ी फौज हो गई है और ये बारह पानी के सोते तुम्हारे बारह गोत्रों के प्रतीक हैं तुम टुकड़े टुकड़े के मोहताज थे पर देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी बरकत दी है मैं धन्यवाद करता हूँ आसमान का खुदा हमारे दुखों को बदल करके आशीष में तब्दील करता है वो बिलाम के श्राप को आशीष से बदल देता है और वो परमेश्वर आज भी तुम्हें इस स्क्रीन के सामने इसीलिए लेकर आया है ताकि तुम्हें बता सके तुम्हारे दुखों का पूरा का पूरा हिसाब उसके पास है एंड ही होल्ड योर टुमोरो All all that that you've lost yesterday, all the pain that you're going right now, He will restore with joy and laughter, से, खुशी से और हर्ष से भर देगा और मैं धन्यवाद करता हूँ सत्तर का रेशियो मुसीबत में बारह गोत्र गए सत्तर लोग गए जब निकल कर आए तो बारह सोते और सत्तर खजूर के पेड़ अब देखो बीस लाख से ज्यादा लोग हैं परमेश्वर ने आशीष दी है आप नए नियम में आते हैं और आपको नए नियम में दिखाई पड़ेगा यीशु मसीह के बारह अपोस्टल्स एंड इफ यू रिमेंबर सेवेंटी डिसाइपल्स हुम ही सेंट गो एंड प्रीच द गॉस्पल वो यीशु मसीह जो अकेला आया था गेहूं के दाने के समान था भूमि में दफन कर दिया गया और मैं धन्यवाद करता हूं जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है स्वर्ग के परमेश्वर ने मेरे मसीह के बलिदान का एक एक हिस्सा लिख रखा था और उसने कहा बिकॉज ही डाइड फॉर अस बिकॉज ही डाइड फॉर द मैन काइंड क्योंकि उसने मनुष्यों के लिए अपनी पीठ पर उनतालीस कोड़े खाए अपने हाथों में कीलें ठुकवा ली अपने पांजर में भाला मरवाया सर पर कांटों का ताज पहना उसने दुख सहा है। बाइबल कहती है और वो अपने प्राणों का उठाकर उन्हें देखेगा मालूम कि ने सत्तर चेले जिन्हें उन्हें टीम बनाकर भेजा सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और बारह अपोस्टल्स जो सिंहासन पर बैठकर न्याय करते हैं मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह हिसाब रखने वाला परमेश्वर है मेरी बहन मेरे भाई वही एक ऐसा मात्र परमेश्वर है जिसने कहा है कि मैं तेरे मारे मारे फिरने का और तेरे टोकरी ढोने का हिसाब रखता हूँ नो बडी नो बडी नो बडी इन दिस वर्ल्ड एवर केयर्स फॉर द टीयर्स आप खुद अपने आंसुओं को पोच करके फेंक देते हैं पर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ तुम्हारे आंसुओं की भी कदर करने वाला और जो कहता है कि मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखा है आज तुझसे वायदा कर रहा है मैं तुझे बदले में दूना सुख दूंगा आशा धरे धरे हुए बंदियों, Those who have their होप इन क्राइस्ट रिटर्न मुझे मालूम नहीं किस किसने आपकी आशा को तोड़ा है किस किसने आपका फायदा उठाया है किस किसने आपकी मजबूरी का मजाक बनाया है पर मैं आज उस जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की चर्चा आपसे कर रहा हूं जो आपके दुखों में आपके लिए आनंद उत्पन्न करने की सामर्थ रखता है अयूब का खुदा जिसका सब कुछ लुट गया था उसने अयूब को सब कुछ फेर दिया और धन्यवाद करता हूँ अयूब उस जमाने के सबसे रईसों में से एक बन गया मालूम क्यों बिकॉज ही इज़ अ फेथफुल गॉड मेरी दुआ यह है आपके लिए जो कुछ आपने खोया है जो कुछ आपसे बिखर गया है जो कुछ आपसे छूट गया है उस खुदा पर ईमान रखने के कारण लेट इट बी डबल्ड in your life.